किसी के पास नहीं है जो हमारा इंटर्नशिप का टेम्पलेट है वो मुझे दिखाएं, वो जरा डाउनलोड करके भेज दें। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम, आ रही है। तो आप लोगों में से कोई भी मुझे असाइनमेंट का टेम्पलेट क्यों नहीं सेंड कर रहा? इतने लोग हो, कोई भी एक नहीं कर सकता है? आप लोगों ने असाइनमेंट का टेम्पलेट डाउनलोड नहीं किया है? मैम मैंने सेंड करी है, यहाँ सिग्नल बहुत कम है तो इस वजह से हो नहीं पा रही। कोई और सेंड कर दे करेंगे। घर पे एक्चुअली मुझसे LMS होता नहीं है डाउनलोड, वो घर पे LMS खुलता नहीं है मेरे से, एक्सेस नहीं होती। एक मिनट मैं सेंड करती हूँ। You are already in LMS. आज एक पीला कपड़ा देखो, इधर आओ इधर आओ। ये पापा यहाँ रखा है, ये भी पीला हो गया, यहाँ रखा है, ये भी मेरे को सबसे पहले अच्छा, सबसे पहले हम ये इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। दो केसेस लेने हैं आपने, और
न्यूरोटिक लेने हैं, एक मेल लेना है, एक फीमेल लेना है, ये तो क्लियरली आपको बताया हुआ है. सो आर हैंडलिंग समरी ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. क्लाइंट के डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक में क्या क्या इंक्लूड है? जो हमारे टेम्पलेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो जनरल सी इंफॉर्मेशन है. उसके अलावा यू नीड टू ऐड उसकी मैरिटल स्टेटस, उसके नंबर ऑफ किड्स, उसका अपना नंबर इन द सिबलिंग्स कि वो इंडिविजुअल जो है वो किस नंबर पे है सिबलिंग्स में, और उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और रेजिडेंस ओवरऑल लिखना चाहें तो लिखते हैं कि वो किस एरिया का रेजिडेंट है. ज्योग्राफिकल एरिया से भी कुछ इम्पैक्ट आता है इंसान को, तो वो भी आप मेंशन करते हैं. इस तरह से अगर वो मैरिड है तो उसकी मैरिटल उसके स्पाउस के बारे में और बच्चों के बारे में भी लिखें. अगर वो अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में ज़रूर लिखें. अब आ जाते हैं हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की तरफ. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो हैं वो हम क्लाइंट को क्लाइंट के टर्म में हम देंगे, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मेरे सर के आगे वाले हिस्से में दर्द होता है. आप एग्जैक्टली यही वर्ड इन्वर्टेड कॉमास डाल के लिखेंगे कि मेरे सर के आगे वाले हिस्से में दर्द होता है, ठीक है. जो क्लाइंट के वर्ड होंगे आप एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे, आप उसे अपने वर्ड्स में नहीं करेंगे. लाइक ये नहीं लिखेंगे कि क्लाइंट के सर में दर्द होता है, क्लाइंट के सर के आगे वाले हिस्से में दर्द होता है. नो, जो क्लाइंट के वर्ड्स होंगे क्लाइंट आपको पंजाबी में बताता है, उर्दू में बताता है, इंग्लिश में बताता है, जैसे भी बताता है आपने उसके ही वर्ड्स में लिखना है, ठीक है. आपने उसको ट्रांसलेट नहीं करना, आपने उसे अपने वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं करना. हिस्ट्री के बारे में ये है कि इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगे. फॉर एग्जांपल के क्लाइंट की हिस्ट्री में उसकी चाइल्डहुड से हम स्टार्ट करेंगे कि क्लाइंट जो है वो बचपन में उसके एकेडमिक एस्पेक्ट्स कैसे रहे, उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कैसे रहे, उसके सोशल एस्पेक्ट्स कैसे रहे, उसके पर्सनल एस्पेक्ट्स कैसे रहे, उसके सेक्सुअल एस्पेक्ट्स कैसे रहे, उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स कैसे रहे. सो ये जो चार पांच चीज़ें हैं अबाउट एनीवनस पर्सनालिटी या सर्कमस्टांसेस, उसका आपने जिक्र करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्लाइंट जो है वो इमोशनली कैसा था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा हाइपर था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था या इमोशनली कोल्ड था बचपन में, वो कैसा इमोशनली उसकी क्या स्टेट्स ज़्यादातर रहती थी और उसे क्या कंसीडर किया जाता था. तो एक तो ये चीज़. दूसरा अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में क्या उसके पेरेंट्स जो थे उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, वो बेसिक नीड्स पूरी कर पाते थे नहीं कर पाते थे, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा था, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कैसी थी, पेरेंट्स का बच्चे के साथ बॉन्ड कैसा था, ठीक है. ये सारे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं. लाइक प्री मीन्स पहले और डिस्पोज के जिन फैक्टर्स पे आप पहले डिस्पोज हुए हैं. सो जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे होंगे और क्लाइंट की प्रॉब्लम, जब हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है. तो हमें देखना है कि उसकी प्रॉब्लम के साथ जो एक सेकेंड हमने ये देखना है कि जो बैकग्राउंड रहा, जिन फैक्टर्स पे वो प्रीडिस्पोज हुआ, किस तरह से वो फैक्टर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट है उसको किसी इवेंट से रिलेटेड, उसे किसी इवेंट से रिलेटेड बुरी ख्वाब आते हैं, उसकी बुरी मेमोरीज हैं, उसे फ्लैशबैक्स आते हैं, तो लास्टली उसके
चाइल्डहुड में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा. सो कौन से फैक्टर्स थे, लाइक उसकी मदर जो थी या वो उसको ऐसी स्टोरीज सुनाती थी, या उसके फादर जो थे, या कोई स्टेप पेरेंट था, या फिर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, या फिर पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा था. सो पास्ट में कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे जिन पर जिनसे वो डिस्पोज ऑफ हुआ, जो उसके सामने आए, जो कि उसको लीड कर रहे थे टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमने प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में कवर करने हैं कि जो भी उसकी करंट प्रॉब्लम है उसमें पिछले कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसको इस स्टेज तक लाने में. ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे. हाँ जी, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स. करंटली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स. उसकी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल एक घर में एक ही तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं सब बहन भाइयों के लिए. लाइक अगर आपके फादर का फाइनेंशियल स्टेटस वीक है तो ऑफकोर्स वो सारे बहन भाइयों के लिए वीक है, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सब उसी घर में बड़े हो रहे हैं. लेकिन एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो उन सर्कमस्टांसिस पे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है कि आई शुड अर्न मोर, आई शुड हेल्प माय पेरेंट. तो दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि आपके दूसरा चाइल्ड उसी सर्कमस्टांसिस की वजह से ड्रग्स लेना शुरू कर देता है कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं और आई कैन नॉट कोप अप, और वो होपलेस हो जाता है एंड ही और शी स्टार्ट्स टेकिंग ड्रग्स. अब सर्कमस्टांसिस दोनों के लिए सेम थे लेकिन पर्सनैलिटी और चीज़ें और कॉपिंग मैकेनिज्म वो डिफरेंट. ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं मेंटेनिंग फैक्टर्स कि अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग अब्यूज़ ही है तो उसने जिस सर्कमस्टांसिस की वजह से वो अब्यूज़ स्टार्ट किया था, उसका पीयर प्रेशर था या फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या एकेडमिक फेलियर था या बिजनेस में फेलियर था, वट एवर द प्रॉब्लम इज़, वो प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूसली चल रही है या उसका उसके स्पाउस के साथ झगड़ा है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा और उस प्रॉब्लम की वजह से जो उसने एक साइकिल सा बनाया हुआ है कि ही फेस सर्टन प्रॉब्लम्स एंड देन स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, और वो उसी चीज़ को कॉन्टिन्यू करता हुआ चलता जा रहा है, ना तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और ना ही वो ड्रग्स को छोड़ रहा है. सो वो फैक्टर्स हैं जो उसको उसकी प्रॉब्लम को सर्टन प्रॉब्लम को मेंटेन किए हुए हैं. ठीक है, सो ये तीन से चार चीज़ें जो हैं आपने मेंशन करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि अगर उसका चाइल्डहुड में उसकी जो बर्थ थी वो नॉर्मल थी, सी सेक्शन था, उसकी बर्थ टाइम पे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था, इस सारी बात का ये मकसद होता है. इससे इम्पैक्ट आता है आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पे. बाज़ औक़ात आपका इंटेलेक्चुअल लेवल इंटरप्ट हो जाता है ड्यू टू सम बायोलॉजिकल रीजंस. आपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है, आपने इमोशनल फैक्टर्स को भी, फाइनेंशियल भी, इमोशनल भी, एकेडमिक भी, सोशल भी, कि उसके फ्रेंड्स कैसे थे, उसका मिलना जुलना कैसा था, उसका सर्कल कैसा था, ये सारी चीज़ें. अब हिस्ट्री जो है वो सबसे मेन चीज़ है आपकी पूरी रिपोर्ट में. जो बात वाली आपकी रिपोर्ट है और जो इंटरप्रिटेशन है और जो ओवरऑल आपने ट्रीटमेंट और केस फॉर्मुलेशन करनी है उसमें सारा का सारा रोल होगा आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और आपकी हिस्ट्री का. अगर ये आपने ठीक से ली होंगी तो बाकी के चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी. मेन काम आपका अभी है, बाद वाले काम तो सिर्फ आपने बताना है कि व्हाट इट इज़, लेकिन मेन जो चीज़ है क्लाइंट के साथ काम करने वाली वो यही है. इसलिए आई हैव आस्क यू टू बिल्ड अ वेरी गुड रेपो एट द बिगनिंग ताकि आपको हिस्ट्री लेने में और इस तरह की प्रॉब्लम्स में कोई इशू ना आए. आपने सेक्सुअल हिस्ट्री भी लेनी है तो यू नीड टू बी कंफर्टेबल अंडर योर स्किन. आपको खुद इस तरह से फील नहीं होना चाहिए कि जी आप कुछ ऑड कर रहे हैं. दैट इज़ समथिंग नॉर्मल एंड प्रिटी
नॉर्मल यू कैन से कि उसके बारे में बात करना है ये वो. हाँ सोशली वी अवॉइड हैविंग सच टॉक्स, लेकिन आप ये समझ लें जब हम अपने डॉक्टर को बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, हम हर तरह की प्रॉब्लम बताते हैं, हम उसमें कुछ ये नहीं करते कि हम ये छुपा लें या वो छुपा लें. सो यू आर हैविंग अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट, नॉट एनी इमोशनल, नॉट एनी पर्सनल रिलेशनशिप जिसमें इस तरह का कुछ हो. सो आपका कंसर्न है उसकी प्रॉब्लम के साथ एंड यू नीड टू डील विद दैट. अब उसके बाद है प्रपोज्ड असेसमेंट. अब जब आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली, ठीक है, और आपने कह दिया कि हमारे क्लाइंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अब ये हैं, हिस्ट्री में ये पता चल रहा है, ये उससे आपको एक हल्का सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इसकी सिम्टम्स हैं, DSM-5 आप खोलेंगे, देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में जा रही हैं. अगर उसको एंजाइटी की सिम्टम्स नज़र आ रही हैं तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स खोल लें, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को मैच करने की कोशिश करें कि वो किस डिसऑर्डर के साथ मैच हो रही हैं, और जो भी उसको साथ मैच हो रही हैं जिस कैटेगरी में भी आपको वो लग रहा है कि ये मेरा क्लाइंट फॉल कर रहा है, उसकी असेसमेंट आप कर दें. फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने क्लाइंट की जो सिम्टम्स हैं वो डिप्रेशन की लग रही हैं कि उसका दिल नहीं लग रहा, वो होपलेस हो रहा है और जो है उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं रहा, उसको सुसाइडल थाट्स आ रहे हैं और इस तरह का कुछ हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने अगर आपको इनिशियली वैसे तो पता होना चाहिए कि ये किस डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, आपका क्लिनिकल का बैकग्राउंड कहीं वीक हो गया, भूल गए हो, ठीक से पढ़ा नहीं था, तो उसको गूगल कर लेना कि ये सिम्टम्स किस डिसऑर्डर की हैं, ठीक है, किस कैटेगरी की हैं. फिर आपने उससे रिलेटेड कैटेगरीज के एक दो जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अगर डिप्रेशन है तो आपने मेजर डिप्रेशन भी देख लेना है, आपने क्यूट डिप्रेशन भी देख लेना है. वो आपने फिर आगे फर्दर खोलनी है DSM-5, और DSM-5 खोल के आपने कर लेना है कि आपकी क्लाइंट का कौन सा डिसऑर्डर है. फिर आप तो टिप्स है ये बता देने के लिए, मैं ये लाइक डिप्रेशन एंजाइटी मेट्रिक्स मुझे रिसीव होती हैं रिगार्डिंग कि मैंने कौन सा स्केल लगाएं, क्या करें. मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबको? स्टूडेंट्स आप में से कोई म्यूट करके मुझे अनम्यूट करके ये बताएगा कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं? जी मैम आ रही है. अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने ये बताना है कि इस पे हम कौन सा टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे, और हमें टेंटेटिव सा कि हमें लग रहा है, दैट्स अ टेंटेटिव थिंग, कि ये डायग्नोसिस होगा इस क्लाइंट का, ठीक है. उसके बाद है आपके स्कूल के लिए इंस्ट्रक्शंस. ये नहीं आपने लिखना कि दिस क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद दिस दिस दिस, बस आपने ये लिखना है टेंटेटिव डायग्नोसिस सेमीकोलन, और आगे आपने लिख देना है कि डिप्रेशन है या बाइपोलर है या व्हाटएवर इट इज. अच्छा, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट फॉर वर्किंग इन द स्कूल यू डू नॉट हैव डायग्नोसिस ऑफ क्लाइंट और स्टूडेंट समथिंग ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, ठीक है. इसमें है क्लाइंट के वेयर अबाउट्स, अगेन डेमोग्राफिक सेम है, इसमें क्लाइंट की डेमोग्राफिक्स जो है वो सेम रहेगी. नाम आपने नहीं लिखना, XYZ लिख दें, उसके नाम के इनिशियल्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन नाम आपने नहीं लिखना. दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग टू ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट, दिस इज़ अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ दिस.
प्रैक्टिस, ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस, एक सेकेंड. अच्छा, तो वेयर अबाउट्स तो आपके वैसे ही रहेंगे कि आपने सब कुछ क्लाइंट के बारे में बताना है, ठीक है. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स भी आपकी वैसे ही रहेंगी, लेकिन इसमें फ़र्क ये आ जाएगा कि क्लाइंट इसमें आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स बताने के काबिल नहीं होगा, ठीक है. आपने क्लाइंट की टीचर से पूछना है, उसकी मदर से पूछना है, या जो भी उससे रिलेटेड है, जो अगर उसकी शेडो टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, उसको कोई साइकोलॉजिस्ट असिस्ट कर रहा है, जो भी उसकी टीम है जो उसको हैंडल कर रही है रेलिवेंट, आपने उसके जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स उनसे लेनी है. और उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आपने एग्जैक्टली वैसे ही रिपोर्ट करनी है जैसे आपने ऊपर मैंने बताया कि क्लाइंट की करनी है. उनका वर्बेटम होना चाहिए, मदर है तो मदर का वर्बेटम, टीचर है तो टीचर का वर्बेटम, उसी तरह से जैसे उन्होंने आपने आपको बताई हैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में आपने वैसे ही कर लेने हैं. अब इसमें आप अपनी कन्वीनियंस के लिए उन्हें ये भी कह सकते हैं कि मैडम अगर आपको इतराज़ ना हो तो हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एग्जैक्ट नोट डाउन करनी है, तो अगर हम लिख रहे होंगे तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, हम आपको बात ठीक से सुन नहीं पाएंगे, तो अगर आप हमें प्लीज़ इजाज़त दें तो हम आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इस ये जो है हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रिपोर्ट में यूज़ करेंगे और उसके बाद इसे डिलीट कर देंगे. इसमें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो प्रॉपर रखी जाएगी और इसको ब्रीच नहीं किया जाएगा, ठीक है. या आप उन्हें इंश्योर करके उनकी इजाज़त से फिर आप उनकी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है. अब हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री कि आपने ये भी नोट डाउन करना है कि जब मदर प्रेग्नेंट थी तो तब उनकी कंडीशन क्या थी प्रेगनेंसी के दौरान. इसे कहते हैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री, ठीक है. उसमें अगर क्लाइंट ने कुछ ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, तो उससे क्लाइंट के इंटेलेक्चुअल उसको इंटेलेक्चुअल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ केस जिसमें क्लाइंट जो है डिलीवरी के दौरान उन्हें ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिल सकी. ये डिलीवरी करते दौरान करते वक्त शायद कुछ इशू हुआ और ड्यूरिंग द डिलीवरी, और उसको ऑक्सीजन उसके ब्रेन सेल्स को नहीं मिल सकी, उसकी वजह से वो क्लाइंट ऑटिस्टिक हो गया और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पेशेंट बन गया. देर इज़ अनदर केस जिसमें बच्चे को एक वैक्सीनेशन मिलनी थी और वो वैक्सीनेशन थोड़ी एक्सपेंसिव थी, तो नर्सिस ने ये अज्यूम कर लिया कि पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड दिस, और उन्होंने वो वैक्सीनेशन उस बच्चे को नहीं दी. उसकी वजह से फॉर लाइफ लॉन्ग दैट चाइल्ड बिकम इंटेलेक्चुअली डिसेबल, ठीक है. सो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको यू कैन नॉट इग्नोर. इसलिए स्कूल सेटिंग में आपने ये वाली हिस्ट्री बहुत जो है वो ध्यान से लेनी है, और उसको आप थोड़ा बहुत स्टडी भी कर सकते हैं. आई वुड से कि दोज हु आर गोइंग टू स्कूल बैकग्राउंड दे शुड स्टडी द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. जो भी वो क्लाइंट अपना ले रहे हैं उन्हें पहले पता तो होगा कि वो कौन सा क्लाइंट ले रहे हैं, ऑटिस्टिक ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ले रहे हैं, तो उसको वो खुद से स्टडी करके जाए. अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन हैव अ सेशन एंड वी कैन डिस्कस ऑल द डिसऑर्डर्स. जो भी मतलब मेरे स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल अगर मेरे 3 स्टूडेंट हैं और वो दो ऑटिस्टिक बच्चों को ले रहे हैं और एक ADHD को ले रहा है, तो वी कैन स्टडी दैट, ठीक है.
तो वी कैन हैव अ सेशन एंड वी कैन डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, बट यू मस्ट हैव द बैकग्राउंड ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स वट एवर यू आर हैविंग द क्लाइंट. अपने क्लाइंट के डिसऑर्डर का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब एंड पे इससे एक तो आपकी रिपोर्ट ठीक बनेगी और दूसरा ये है कि जब एंड पे आपका वाइवा होगा, अगर आपने किसी तरह से टूटी फूटी रिपोर्ट के साथ भी आप वहाँ तक पहुँच भी गए, तो जब आपका वाइवा होगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, तो आप वहाँ पे फेल हो जाओगे. दिस टाइम इस तरह से हुआ है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को वाइवा की स्टेज पे भी फेल किया है. कुछ बच्चों की रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही थी, वो कहीं से बनवा रहे थे या क्या था, वो सेशन में भी कोई कम्युनिकेट नहीं करते थे, तो अब मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि उन्हें कुछ आता है या नहीं आता. तो जब ये हो गया तो उन्होंने जब सेशन में अपेयर हुए तो उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा था, उन्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं आ रही थी, तो मैंने उनको फेल कर दिया. ठीक है, उसके बाद उन्हें बहुत इतराज़ हुआ कि इस स्टेज पे आने के बाद, सारा काम करने के बाद आपने हमें फेल किया है, लेकिन मैंने उन्हें कर दिया. दे ईमेल टू द रेक्टर और सब कुछ उन्होंने किया वट एवर, लेकिन उनका स्टेटस फेल ही रहा बिकॉज दे डिड नॉट नो एनी थिंग. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो भी क्लाइंट आपके पास है, हम आपसे बहुत ज़्यादा पूरी DSM-5 के बारे में क्वेश्चंस नहीं होंगे, ना ही आपसे कोई और आउट ऑफ द रिपोर्ट कोई बात होगी. जो आपके क्लाइंट की डिसेबिलिटी है उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको आना चाहिए, उसके डायग्नोसिस का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, उसके कॉजेज, उसका ट्रीटमेंट, उसकी हर चीज़ आपको पता होना चाहिए. यू नीड टू रीड दैट इन डिटेल एंड दैट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. अगर आप गूगल पे करें सिंपली, तो मोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता चल ही जाएंगी कि उसके क्या क्या कॉज होते हैं. पॉइंट्स में बताई होती हैं चीज़ें, वो सिर्फ पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे तो दैट विल बी सफिशेंट. दैट्स अ आई वुड से कि अ टास्क ऑफ कपल ऑफ आवर्स. ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा का ये टास्क नहीं है कि आप अपनी जो भी आपके क्लाइंट के डिसऑर्डर है आप उसको कर लें. तो पूरे सेमेस्टर में अगर आपके 2 क्लाइंट्स हैं, उनके डिफरेंट भी हैं डायग्नोसिस, आप क्या 2 डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं पढ़ सकते 4 घंटों में? तो सॉरी टू से, यू मस्ट फेल दिस कोर्स. अब इसी तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल हिस्ट्री भी आपने ले ली. हिस्ट्री में मैंने बता दिया कि इसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो हैं ही. उसके बाद कोई हादसा हुआ है, बच्चा गिर गया है, उसकी स्पीच कैसी रही, उसको स्कूलिंग कैसी मिली, उसको अर्ली जो है वो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो मिली कि नहीं मिली. टेक केयर ऑफ ऑल दोज एस्पेक्ट्स. जो भी आपका रिलेवेंट डिसऑर्डर है उसमें जो जो फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, यू नीड टू स्टडी दैट फर्स्ट एंड देन गो फॉर द हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन. जो भी आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल नज़र आती हैं वो आपने नोट डाउन करनी है. और आपकी ऑब्जर्वेशन भी तभी ठीक होंगी जब आपको उसका नॉलेज होगा. आपको ये पता होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे की ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो बैठा है एक चीज़ को देख रहा है, वो पेंसिल के साथ खेल रहा है. पेंसिल के साथ खेलना आपको लगता है कि दिस इज नॉर्मल, बट एक सेकंड,
अच्छा, हम यहाँ पे थे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट, कहाँ पे थे हम कि आपने पहले पढ़ना है अपने डिसऑर्डर के बारे में, या इस बारे में हम बात कर रहे थे? कोई अनम्यूट करके बताएगा? स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, इधर ही थे। अच्छा, तो अगर आप फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट जो है वो पेंसिल के साथ खेल रहा है, आपके लिए नॉर्मल चीज़ है, आपने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, जबकि अगर आपने उसको स्टडी किया हुआ है तो आपको ये पता चलेगा कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो सिलेंड्रिकल चीज़ों के साथ खेलते हैं। ठीक है, सो आपकी जब तक स्टडी पूरी नहीं होगी, आपका जब तक बैकग्राउंड नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब तक आप नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, आएंगे जो आपने यूज करने हैं क्लाइंट के साथ, और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन में वो चीजें आएंगी जो मैंने भी आपने ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जी वाले मैम, आवाज नहीं आ रही। अब मेरी आवाज़ ठीक आ रही है मैम? किसी वक्त ठीक हो जाती है, किसी वक्त बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा, अब ठीक आ रही है? यस मैम, अभी सही आ रही है। अच्छा, तो अब यहाँ के बारे में भी, स्कूल सेटिंग के बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, प्लीज डू नॉट गिव डायग्नोसिस, इंस्टेड मेंशन द
child is experience related to behavior or academics or student identification of the client in 1 to 2 lines. आपने बता देना है कि क्लाइंट का डायग्नोसिस क्या है, वो आपने मेंशन नहीं करना. इसमें आपने बेसिकली बता देना है कि उसकी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अगर नहीं है, अटेंशन स्पैन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो आपने ये लिखा क्लाइंट instructions for again is to be कोई एकेडमिक डिसेबिलिटी है या फिर इस तरह कोई इशू या कंसर्न, ठीक है. इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है. आपने ये नहीं कहना कि एक इन्फॉर्मेंट हो गया तो हमने दूसरे से नहीं पूछना. जो भी उस क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, स्टूडेंट के साथ काम कर रहा है, उससे रिलेटेड या उसकी टीम का हिस्सा है, आपने उसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लेनी है, ठीक है. इसमें स्पेशली ये है कि आपने एक से ज़्यादा सेटिंग में क्लाइंट को ऑब्जर्व करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट प्लेग्राउंड में है तो आपने प्लेग्राउंड में भी देखना है, घर में भी देखना है, और स्कूल में भी देखना है, क्लासरूम में भी देखना है, ठीक है. वेयर एवर द पॉसिबल आपने, इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंट टीचर दोनों से जो है वो प्रेजेंटिंग पूछनी है, उनसे हिस्ट्री लेनी है और उनकी ऑब्जर्वेशन करनी है. और इसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि कोई और भी उसकी टीम का हिस्सा है तो उससे भी आपने पूछा है. इसी तरह डिफरेंट सेटिंग्स कि किस किस सेटिंग में वो किस तरह से बिहेव करता है, वो इनफॉर्मल और फॉर्मल जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो भी आपने करनी है. नेम्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्टेड, ठीक है. यहाँ पे आपने साइकोलॉजिकल टेस्टेड टेस्ट भी बताने हैं जो आपने एडमिनिस्ट्रेट करने हैं, और फिर आपने उसका टेंटेटिव डायग्नोसिस देना है. दिस इज ज्यादा सिमिलर है. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्कूल इंटर्नशिप थोड़ा सा मैंने अंडरस्टैंड किया है, जो मैंने ऊपर हिस्ट्री के लिए सब चीजें बताई हैं. लेकिन आपने स्पेशल एजुकेशन के जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्लाइंट्स होते हैं उनके बारे में जो हिस्ट्री है उसको आपने ध्यान दिया. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल के लिए है, हम आगे आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के बाद, ठीक है. Summary of the following aspects. Nature of the organization, ठीक है, कि आपकी organization काम क्या करती है ये. उसके बाद the task you are performing there and your experience as a new learner, जो task आप perform कर रहे हैं. और मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है और आप वहाँ जाके क्या काम कर रहे हैं, आप किन किन चीज़ों में उनके साथ असिस्ट कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. और आपका एज अ न्यू लर्नर वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो, और जो आपका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है. उसके बाद आपने बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और एफर्ट्स टू इंश्योर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. आपका इस चीज़ पर फोकस नहीं होना चाहिए कि वो काम क्या कर रही है. फॉर एग्जाम्पल ये नहीं देखना आपने कि अगर कोई
केबल्स बनाने वाली कंपनी है तो केबल्स कॉपर की बना रही है, अच्छा काम कर रही है अपने कस्टमर की से आप एम्प्लॉयज के, ठीक है कि आप ये चीज आप उनके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और जो उनकी कोई एम्प्लॉय हैंडबुक वगैरह होती है उसके अंदर उन्होंने मेंशन की होती है. सो यू नीड टू रीड दैट फर्स्ट. पहले अपना लिटरेचर इस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूरा करके जाना है कि अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम्प्लीटली पढ़ना है, और फिर यू नीड टू राइट और वर्क ओवर देयर. पहले आप इस चीज़ के बारे में पढ़ लें, और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो जाके पता चलेगा कि कौन सी पॉलिसीज हैं जो सिर्फ लिखी इम्प्लीमेंट नहीं होती और कौन सी हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं. और फिर आपको एम्प्लॉय मोटिवेशन के बारे में पहले और फिर आप ऑब्जर्व करनी है. ये नहीं कहते जी जिस एम्प्लॉय से पूछो वो कहता है जी मैं तो सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो इंडस्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे. एजुकेशन के प्रति स्किल्स मिलते हैं जिसमें एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को स्टडी किया गया है. आपने उनके कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में जाके तो उस चीज़ को ऑब्जर्व भी करना है और फिर मेजर भी करना है. Your observation related to the mental health of employees, ठीक है, ये भी आपने observation mental health से related कैसी होनी चाहिए, ये employees mental health या employee satisfaction या employee motivation को जब आप study करेंगे तो इन सारे variables को study करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो skills develop हुए हैं वो किस criteria में हुए हैं, इसको define कैसे किया गया है. Employee satisfaction क्या होती है, employee की mental health क्या होती है, employee की मोटिवेशन के मैयर कैसे करना है. सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और फिर आपने इनको ऑब्जर्व करना है और फिर उसके बाद इसको राइटअप में लेकर आना है. स्टूडेंट आर सपोज टू रिलेट साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मॉडल्स. ये जब आप इसको स्टडी करेंगे तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि किस ऑथर ने इसके ऊपर कौन सा काम किया, कौन सी थ्योरी दी और कौन सा मॉडल बनाया, ठीक है, तो फिर आप यू विल बी बेटर एबल टू राइट अबाउट दीज एज वेल. अभी अगर आपका लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके ऑब्जर्वेशन भी ठीक होंगी और आपकी सब चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जाएंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिट एंड कंप्लीट योर लिटरेचर. जो भी आपने पढ़ना है, चाहे आप स्कूल सेटिंग में हैं, चाहे आप स्पेशल एजुकेशन में हैं या आप क्लिनिकल सेटिंग में हैं, पहले आपकी अपनी स्टडी पूरी होनी चाहिए उसके बाद. इसी तरह से जैसे हमने नोट डाउन किया है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम अपना पहले टेस्ट ले रही हैं फिर इंटर्नशिप दे रही हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने किया होगा. इस दफ़ा फाउंटेन हाउस वालों ने भी ये किया है. सो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि अगर तो बच्चे का बैकग्राउंड है, उसने पढ़ा हुआ है, उसको चीज़ों का बेसिकली पता है तो वो आके काम भी करेगा. अगर उसको पता ही कुछ नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता, ठीक है. सो वाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम विद दो स्टूडेंट्स जिनको पता ही कुछ नहीं है, ठीक है. एंड आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग, वेरी गुड थिंग टू गिव द अपॉर्चुनिटी those students who have the उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी भी नहीं चाहिए जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, जो कुछ पढ़ के ही नहीं आया, जिनको कुछ पता ही नहीं है. वो चले भी जाएंगे इंटर्नशिप करने तो उन्हें इंटर्नशिप का कोई फायदा नहीं, वो अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया करेंगे. और फिर ये देखना है कि जो टास्क वहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है वो उस मॉडल या उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं ठीक. इट शुड बी डन इन एवरी पार्ट ऑफ योर डिस्कशन इन योर रिपोर्ट. सो वही बात आ गई दोबारा, जब आप शुरू में इनको पढ़ लेंगे तो आप उनके रेफरेंस से ही बात करेंगे, ठीक है, आप उस रेफरेंस या उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर बात नहीं करेंगे. उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग. प्रिपेयर रिपोर्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द गिवन प्री असेसमेंट रिपोर्ट फॉर्मेट. उससे हटके आपने नहीं काम करना. डाउनलोड सेक्शन और MS Word में होनी चाहिए टाइम्स न्यू रोमन 12 फॉन्ट साइज. इससे बड़ा या इसके अलावा कोई फॉन्ट साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है. यूज ब्लैक एंड ब्लू फॉन्ट कलर्स ओनली. आई वुड नॉट से ब्लू फॉन्ट कलर, ठीक है, आई एम नॉट एग्री विद दिस. APA में कोई कलर नहीं होता फॉन्ट का, तो आप प्लीज़ ये फॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक रखिएगा सारा, ठीक है. In the case of assignment,
24 आवर्स एक्स्ट्रा ग्रेस डे पीरियड आपको दिया जाता है, वो आपको पता है कि जो भी आपकी ड्यू डेट होगी उसके बाद एक दिन आपको दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी सब वो चीज़ें हैं, प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है लास्ट सेशन में हमने एक स्टूडेंट का केस डिस्कस किया है जिसने, सॉरी वो आप नहीं थे, वो प्रोजेक्ट की स्टूडेंट थी, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना के मुझे भेज दिया था। फिर वो उन्होंने बताया कि उनकी कोई उन्होंने बहुत देर तक वो रजिस्ट करती रही कि नहीं ये मैंने बनाया, मैं इनका सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बनाया हो, क्योंकि टीचर को पता चल जाता है। तो जब उन्होंने भेजा और मैंने उसको पढ़ा देखा, तो सेशन में भी उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ही कह दिया फीडबैक में कि आप इसको डिस्कस करें मेरे साथ सेशन में। मैंने कहा ठीक है आप मुझे भेजें, ये मैं आपकी रिपोर्ट खोलती हूँ और आपसे क्वेश्चंस करती हूँ, अगर आप इनको आंसर्स कर दें तो मुझे पता चल जाएगा ये काम आपने किया हुआ, इतनी ज़्यादा एफर्ट आपने की हुई है इतनी अर्ली स्टेज में, तो ठीक है आपको लग रहा है कि ये आपका काम है, आप मेरी बात नहीं मान रहे, डिनाई करिए, तो आप उसको प्रूफ कर दें कि ये आपका काम है। फिर जब मैंने उनसे क्वेश्चन किए तो वो पहले ही क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या है। सो दिस टाइम आई वुड प्रैक्टिस दिस के जो भी आप लोगों की रिपोर्ट्स होंगी उनके बारे में मैं क्वेश्चन साथ साथ करती रहूँगी ताकि बच्चे इस इल्यूजन में या गलत फहमी में ज़्यादा टाइम ना गुजार दें, ठीक है। सो कीप योर सेल्फ रेडी फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन एज वेल। जब भी आपकी सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट आएगी मैं उसको मार्क करूँगी, तो उसका एक फीडबैक सेशन होगा। जब फीडबैक सेशन होगा तो उसमें मैं हर एक बच्चे की रिपोर्ट खोलूँगी और उसके बारे में उसे क्वेश्चन भी करूँगी और उसे फीडबैक भी दूँगी, ठीक है। एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट? आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, एक मिनट मैम। सुंदर सी यास्मीन आपने हैंड रेस किया है, बताएं आपकी क्या क्यूरी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम क्या हम अपनी फैमिली में अगर कोई ऐसे केसेस हों तो उन पे काम कर सकते हैं? नहीं, फैमिली में नहीं ले सकते, फैमिली में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये है कि दिस, आपको पता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे आर नॉट अलाउड भी नहीं होते और ये पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। जब उसमें पर्सनल रिलेशनशिप आ जाते हैं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट चाहे वो जितना मर्जी अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो, वो अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को थेरेपी नहीं दे सकता। ओके मैम। बिकॉज practically possible. For example, आप वो उसने history जब आप ले रही होगी या कुछ भी कर रही होगी तो वो क्यों share करेगा, उसको पता ही मेरी बहन है psychologist थोड़ी, उसका इम्पैक्ट होगा। ओके मैम। अच्छा और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी का? अस्सलाम वालेकुम मैम। एक मेरी वालेकुम अस्सलाम, एक सेकंड, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज, मैंने कहा है कि मेरे साथ स्काइप के कांटेक्ट में रहें तो आप लोग मुझे ईमेल्स ना किया, जब तक मैं आपको ना कहूं कि आप मुझे ईमेल करें तब तक मुझे ईमेल ना किया करें, बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है। और कल का सारा दिन मैंने सिर्फ ईमेल्स का रिप्लाई किया, एक ही ईमेल मुझे दो दो तीन तीन दफ़ा रिसीव होती है, एक ईमेल में असाइनमेंट आती है, दूसरी ईमेल में इजाज़त आती है, तीसरी ईमेल में आती है कि मैंने कर दी है, चौथी ईमेल वो बच्चा करता है कि मैडम आपको मिल गई है। मतलब आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि आप लोग इस स्टेज पर आ गए हो, आप लोगों को इतने एथिक्स ही नहीं है कि टीचर से या किसी भी फॉर्मल सेटिंग में आपने कैसे कम्युनिकेट करना है। फिर आप लोगों के वी यू आई डीज ही नहीं होते, पर्सनल आई डीज से आप लोग ईमेल्स कर रहे होते हैं, सो दिस इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। प्लीज़ स्काइप इसीलिए रखा गया है कि आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करें,
मुझसे डायरेक्ट वन टू वन कम्युनिकेट करें। फिर स्काइप में भी मैंने मना किया है कि आप लोग इंडिविजुअल चैट्स में बात ना किया करें। मुझे 10 इंडिविजुअल चैट्स, 20 इंडिविजुअल चैट्स, 50 इंडिविजुअल चैट्स को रिप्लाई नहीं करना होता। फिर जब मैं आप लोगों के बातों के जवाब देना छोड़ दूंगी, फिर आप लोगों को ये बात समझ आएगी और ये आप लोग फिर कंप्लेन करोगे कि मैडम हमारी बात का जवाब नहीं देती। सो आई हैव बिन आस्किंग दिस सिंस वेरी अर्ली कि मेरे साथ ग्रुप में कम्युनिकेट करें। आई हैव 100 स्टूडेंट्स जिनको मैं प्रोजेक्ट करवा रही हूँ, इंटर्नशिप करवा रही हूँ, प्रोजेक्ट करवा रही हूँ, कम्युनिटी वर्क करवा रही हूँ। सो हाउ आई कैन आंसर 100 क्यूरीज इन द चैट बॉक्स, इन द ईमेल्स, इन द एमडीबीज एंड एवरीथिंग? अगर मैं वो सब करती हूँ तो फिर मेरे पास टाइम नहीं बचता। अब आई वुड हैव टेकन दिस सेशन यस्टरडे ड्यूरिंग माई ऑफिशियल आवर्स, लेकिन मैं अपने अभी आज की मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग विद यू गाइस। क्यों? क्योंकि कल सारा दिन मैंने सिर्फ आप लोगों की क्यूरीज आंसर की हैं और मैंने कोई काम नहीं किया। सो इफ़ यू पीपल विल डू इट, आई विल स्टॉप आंसरिंग दोज क्यूरीज, ठीक है? एंड आई विल स्ट्रेट फॉरवर्डली डिलीट ऑल दोज। सो प्लीज़ जो कोई भी बात हो आप यहाँ पे करें मेरे साथ ग्रुप में, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगी। मेरे लिए एक ग्रुप को देख के उसको जवाब देना इज पॉसिबल, बट 100 क्यूरीज को आंसर करना इज नॉट पॉसिबल। अगर स्टिल आप लोग ऐसे करोगे तो दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम टेकिंग सेशन ऑन सैटरडे, अदरवाइज आई एम नॉट यूज टू टेक सेशन ऑन सैटरडे। आई एम ऑन हॉलीडे टूडे, ठीक है? सो अब आपका जो क्वेश्चन है जी, आप लोग अनम्यूट करेंगे तो पूछेंगे ना, हैंड रेज करें। अनम्यूट अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम हमने बात करनी थी इंटर्नशिप IRL की। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम IRL की बात करनी थी हमने। जी जी करो। IRLs के सिलसिले खत्म नहीं हो सकते आप लोगों के। अब मैंने IRLs देने खत्म कर दिए हुए हैं। मुझे परसों से कह दिया गया है कि आज लास्ट डे है, आज IRLs कंप्लीट कर ली। हम मैंने कंप्लीट कर दी है, दो दो दफा भी बच्चों को कर दी है, तीन तीन दफा भी मैंने इशू कर दिए हैं, अभी भी आप लोगों के IRLs खत्म नहीं हुए। मैम जी अब IRL नहीं चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई है तो बस आप चेंज करते रहे। जो आपने करना है आप लोग करते रहे। आप लोग को पहले पता नहीं होता कि हम लोगों ने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मैम मैं हॉस्टल वाले चेंज करते हैं तो आप लोगों का टाइम कितना रहेगा? नो मैम, मैम हमें हॉस्पिटल वाले पहले कहते हैं कि आपको करवा देंगे, और फिर जब एक हफ्ता इंतजार करवा के फिर कहते हैं कि हमारे ऑफिशियल नहीं मान रहे। साइकोलॉजिस्ट मान जाती है, ऑफिशियल नहीं मानते। फिर मैम हमारी मंडे को सुबह 10 बजे बता दीजिएगा, 9 बजे बता दीजिएगा, लेकिन घर पे मेरे पास नहीं है। जहाँ से वो मेरे पास एक्सेस ही नहीं है। मैम आप IRL नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं अब आपको IRL के बगैर हम इंटर्नशिप करवा देंगे। ओके मैम, मुल्तान करनी है हमने। मुल्तान नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट पूछा है। इंस्टीट्यूट रॉयल न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर।
ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपसे जैसे क्वेश्चन पूछना था कि मैंने अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर लिया है सीएमएच में ना, तो वहाँ पे जो मुझे पहले मतलब वो एक ड्रग एडिक्ट का मिला, तो क्योंकि तो मैंने उसी मतलब ड्रग एडिक्ट ये हमारे तो आ सकता है ठीक है, तो फिर मैं उसी का रिपोर्ट आपसे कर देती हूँ, मसला तो नहीं होगा। समझ नहीं आएगा, नहीं ड्रग एडिक्ट आप ले सकते हो, क्लाइंट ही है ना वहाँ का। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, और मैं अपना क्वेश्चन कर लेती हूँ कि जो हमारे पास प्री असेसमेंट रिपोर्ट फॉर्मेट है क्लिनिकल इंटर्नशिप का, उसके अंदर नीचे नोट में लिखा हुआ है कि हमने वो पैराग्राफ्स में बना के लिखना है और पास्ट टेंस में, और वो सारा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऊपर हेडिंग्स वगैरह जो मेन हेडिंग्स हैं, जिस तरह ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री या मैरिटल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री, इस तरह, तो ये हमने हेडिंग्स यूज़ करनी है अंदर? नहीं, हिस्ट्री की एक ही हेडिंग होगी, लेकिन ये जो सारी चीजें कही गई हैं इनके अलग अलग पैराग्राफ्स होंगे, लेकिन इन पैराग्राफ्स पे हिस्ट्री आपने टाइटल नहीं देना। और जो मैम ऊपर जिस तरह प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स या मेन रीजंस ऑफ रेफरल, ये जो है ये मेन हेडिंग्स ही हम लिखें, मेन हेडिंग देनी है जी। ठीक है, थैंक यू मैम। जी और कोई क्वेश्चन? मैम एक दफा ये इनफॉर्मल असेसमेंट की जो हेडिंग है उसमें बेसलाइन चार्ट और सब्जेक्टिव रेटिंग्स और प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, इसके बारे में प्लीज बता दें। बेसलाइन चार्ट है वो, उसमें हम ये नोट डाउन करते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी, उस प्रॉब्लम की आप कह रहे हैं इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सब चीजें हम नोट डाउन कर लेते हैं कि इनिशियली अभी कितनी है, ठीक है। फिर जब हम क्लाइंट की हिस्ट्री ले लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर हम बाद में नोट डाउन करते जाते हैं साथ साथ कि अगर हम उसको एक पॉइंट दे रहे हैं या हम उसको एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट के बाद उसके उन सब चीज़ों में कितना फर्क पड़ा है। बेसलाइन चार्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक पॉइंट मिल जाए जिसके ऊपर आपने काम करना है, फिर उस बेसलाइन चार्ट से आप नेक्स्ट टाइम कंपेयर करते हो, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले आपका फीवर चेक करता है, तो अगर आपका फीवर 100 है तो वो नेक्स्ट टाइम 100 से कंपेयर करेगा कि इसका फीवर अगर 101 हुआ है तो इसका मतलब ज्यादा हुआ है, अगर 99 हुआ है तो कम हुआ है। अगर आप 101 के साथ जाओगे और फिर दोबारा आपका फीवर चेक किया जाएगा और वो 101 होगा, तो इसका मतलब है कि आपका फीवर पीक नहीं हुआ। तो हमारे पास कोई बेसलाइन तो होनी चाहिए जिसके साथ हम कंपेयर करके देख सकें कि क्लाइंट इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और सब्जेक्टिव रेटिंग का मतलब है कि जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, बेसिकली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के ऊपर बनाया जाता है। और मैम यहाँ पर असेसमेंट की हेडिंग यूज करेंगे, बाकी इनफॉर्मल असेसमेंट और फॉर्मल असेसमेंट उसके अंदर पैराग्राफ्स में आएगा। जो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होंगी ना, वो आपने एक तरफ लिखनी है, दूसरी तरफ आपने ये लिखना है कि इसकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन या कह रहे थे स्पैन वो कितना था, ठीक है।
वो सब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बारे में आपने लिखना है, और उसके बाद जब आपने ये लिखना ना कि सब्जेक्टिव रेटिंग, तो वो भी आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के ऊपर ही लिखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मेरे सर में दर्द होती है, आपने उसकी हिस्ट्री ली है, आपको अंदाजा है कि किस हद तक इसके सर में दर्द होती है, तो आपने उसको रेट कर देना है कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 8 पे रेट करती हूँ, ये इतनी ज़्यादा है, 0 जो है वो बिल्कुल कम है, 10 जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि उसकी सर दर्द इतनी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है मैं सर दर्द के साथ ये कर रहा होता हूँ वो कर रहा होता हूँ, आप सब्जेक्टिवली ये नोट डाउन करी होती है कि इतनी इसकी सर दर्द नहीं है, मैं इसको 5 रेट कर देती हूँ या 3 रेट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपने खुद रेटिंग करनी है, या उस क्लाइंट से पूछना है कि आपको अगर इसको रेट करें तो कितना रेट करेंगे, तो उस क्लाइंट से भी आप पूछ सकते हैं और उससे पूछ के समझ आ गई आपको? यस मैम। और मैम जो इसमें नोट के नीचे असेसमेंट की हेडिंग है, उसके बाद फिर 2 सब हेडिंग्स हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट और फॉर्मल असेसमेंट की, तो हमने अपने उसमें सिर्फ असेसमेंट की हेडिंग देनी है, बाकी दोनों पैराग्राफ्स में आएंगे बस। नहीं, फॉर्मल इनफॉर्मल की हेडिंग आप दे सकते हो, ओके मैम, थैंक यू सो मच। और कोई किसी का क्वेश्चन है? मैम थ्री मॉडल की पर्सनालिटी के बारे में एक दफा प्लीज बता दीजिएगा। किसके बारे में? किसके बारे में? मैम थ्री मॉर्बिड पर्सनालिटी। थ्री मॉर्बिड का मतलब है कि आपकी ओवरऑल, जैसे मैंने बात भी की थी आपसे, कि जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें कौन कौन से एक बच्चा है जिसकी जिसके घर में अगर बुरे हालात होते हैं तो उसके सलूशन की तरफ जाता है, दूसरा है वो उसके कहीं ना कहीं कोपिंग की तरफ जाता है, अनहेल्दी कोपिंग की तरफ जाता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से वो इस डिसऑर्डर तक पहुंचा है। उसमें आप बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट भी देख सकते हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट भी देख सकते हैं, 3 ट्रेट्स वाली भी एक थ्योरी है वो भी देख सकते हैं, उसके साथ आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस बात की समझ आ गई, इस बात की आपको प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी? यस मैम। यस मैम, इसके नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए सोशल इंटरेस्ट, सोशल रिलेशनशिप, इसमें फिर हम क्या लिखेंगे, प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी के बारे में क्या लिखेंगे? प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में आप यही लिखेंगे कि क्लाइंट अगर उसकी जो पर्सनालिटी पहले रही है वो क्या था, वो ज्यादा एग्रेसिव था, हाइपर एक्टिव था, सेंसिटिव था, इमोशनली कोल्ड था, इग्नोरेंट था, या आप ये कह लें कि न्यूरोटिक उसमें थे फीचर्स, ठीक है। ये उसकी पर्सनालिटी के बारे में आपने लिखना है कि जब आप बचपन से नोट डाउन कर रहे होते हैं उससे हिस्ट्री लेंगे, ये चीज़ आपको हिस्ट्री में मिलेंगी, जब आपको चाइल्डहुड के वाक्य आप बताएगा या कोई सिचुएशंस बताएगा, वो सारी चीज़ें आप कॉल करके बताएगा, तो फिर कि हाँ इसकी इसमें पर्सनालिटी की क्यों से एस्पेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो आप
पर्सनालिटी में जो उसकी प्रॉब्लम से पहले वाला उसका एक पर्सनालिटी ट्रेट था या उसकी लाइफस्टाइल थी, हमने उस किया था मुझसे, वो भी मौजूद है कॉल में? यस मैम, थैंक यू. प्री वाली वो सब चीजें हैं ना, वो पास्ट. बाद में अपने जो है केस फॉर्मुलेशन उसने भी जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये कहते हैं कि मैं चाहते हैं, वो सोचता कैसे है, वो चीज़ें सीखता कैसे है, उसकी मेमोरी कैसी है, ऑन द होल एसोसिएटिव स्किल्स थे वो सब कैसे थे, ट्रॉमेटिक इवेंट जो उसके साथ हुए या जो एग्जिस्टिंग है, कोई फिजिकल इंजरी हुई है, ट्रॉमेटिक इवेंट हुए हैं, साइकोलॉजिकली उसे हार्म हुआ है या हरास हुआ है या अब्यूज हुआ है, कुछ भी, वो उसको हम प्री मॉर्बिडिटीज में कंसिडर करते हैं. प्री डिसीज में भी आएगा, इसका मतलब है कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है मैम, और कोई क्वेश्चन? जी जी मैम, ये जो क्लॉस्ट्रोफोबिया का केस होता है इसको न्यूरोटिक केसेस में ले सकते हैं? जी ले सकते हैं. ओके मैम, थैंक यू. और कोई क्वेश्चन? जितने भी फोबियाज हैं वो आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं वो न्यूरोटिक हैं. कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं. और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सनिया आ रही है. पेशेंट अभी मिला है जिसे मैं डील कर रही हूँ हॉस्पिटल में, वो एक ड्रग एडिक्ट है, तो अभी तक मेरे उसके साथ तीन सेशन हुए और तीनों सेशन में वो अपनी ट्रीटमेंट बार बार बदल रही है. क्या ड्रग मिक्सचर होती है या होता है? तो मैं बार बार जैसे डेट्स चेंज करे, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जैसे ऐसे लग रहा है कि या फिर उसकी मेमोरी का कोई मसला हो, तो ऐसे पेशेंट्स के साथ मतलब कैसे डील किया जाए? मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आपके साथ वहां पे कौन साइकोलॉजिस्ट हैं, कहीं वो डीआईडी का पेशेंट ना हो, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी. मतलब अगर तो वो बिल्कुल आपको लगता है कि एक दफा कोई और पर्सन है और दूसरी दफा कोई और पर्सन हो, कोई और चीजें बता रहा होता है, तो फिर तो ये डीआईडी की तरफ रेफर करता है कि पर्सनैलिटी वो एक दफ़ा एक कोई और पर्सनैलिटी है और दूसरी दफ़ा कोई और पर्सनैलिटी है. इस सिलसिले में आप जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछें कि इसका डायग्नोसिस पहले हुआ हुआ है या क्या. मैम ये इतनी सवेर नहीं, बस जैसे कि उसने कहा था कि सुसाइड अटेम्प्ट किया है, पहले उसने कहा मैंने 16 ईयर्स के एज में किया था, फिर कहा कि मैंने 20 ईयर्स की एज में किया था. मतलब रिलेशन मेरी मदर के साथ पहले अच्छा था, तो अब कल के सेशन में उसने कहा कि नहीं small details वो चेंज कर रहे हैं, तो फिर उससे इतनी फाइंडिंग नहीं हो पाती. ये होगा. कभी भी आपने उसकी एक बात पे यकीन फौरन से नहीं कर लेना. पहले सेशन में वो आपके साथ बिल्कुल फॉर्मल था, उस वो आपको क्यों बताना चाहेगा कि भाई उसकी माँ के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. तो जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी उसके साथ रेपो बिल्ड हो गई, चीज़ें आगे फर्दर गई, तो फिर उसने आपको अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज करना शुरू किया है. ये चीज़ आपको समझ आ रही? जी जी मुझे समझ.
मैम असल में यहाँ पे सीएमएच में हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक पेशेंट को डील कर रहे हो, तो फिर आपने उसकी हिस्ट्री, ये जो प्रॉपर हमारी केस हिस्ट्री होती है, तो आपने उसके मेडिकल फॉर्म में लिखना है जो उसके एक ऑफिशियल फाइल में अटैच होगा, तो एक फॉर्मल एक रिपोर्ट लिखा जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करती है कि मैं उसके रिपोर्ट को कब लिखना स्टार्ट करूँ, आफ्टर 3-4 सेशन, कि बिल्कुल सॉलिड मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए, मैं वेट करूँ कुछ और भी उसके साथ सेशन रखूँ? नहीं, आप जैसे जैसे करती जा रही हैं, फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने ये बताया, तब से तो आप बात को स्ट्रेट नहीं कर लेना। अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें ना, फ्लैक्सो बिल्डिंग कैसे करते हैं और हिस्ट्री टेकिंग कैसे करते हैं, तो हिस्ट्री टेकिंग आपको डायरेक्ट क्लाइंट बैठा होता है, साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, तो उसमें बता रहे होते हैं। एक दो वीडियोज मैंने लास्ट सेशन में बच्चों को भेजी भी थी, उसमें उसने ये बताया था कि क्लाइंट बात एक चीज फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मैंने 16 साल की उम्र में, तो आपने उसे ये कहना चाहिए 16 साल की उम्र में मैट्रिक होता है, तो आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात शुरू कर दी है। आपने कहना अच्छा कि वो मैट्रिक कर रहे थे तब आपने दुकान पे जाना शुरू किया था, तो जब आपने उससे पहले हिस्ट्री थी तो उसने आपको ये बताया था कि उसने मैट्रिक के एंटर के बाद दुकान पे जाना शुरू किया था, तो आपको एज का अंदाजा तो हो गया। सो हिस्ट्री टेकिंग इज नॉट जस्ट स्ट्रेट क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग सेशन, इसमें आपने पूरा एवेल्युएट करना होता है कि कैसे जो भी इंडिविजुअल बात कर रहा है उसको क्रॉस करके आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग इस तरह से करनी है कि क्वेश्चन आपका कुछ और होगा लेकिन आप पूछना कुछ और चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम मैम, समझ रहा? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज की थी, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आपके पास सेंड की हुई है, मेरा आईआरएल तो इश्यू कर दें। आईआरएल की सारी बातें मंडे सुबह 10 बजे हो, कोई यहाँ पे नहीं, अभी हो नहीं सकता घर में, और कुछ पूछना था? और कोई क्वेश्चन है आपका? मैम एक और बात, चलिए जी जी, नौशेरा में इंटर्नशिप करती हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि फौजी सेटिंग है थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये है जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकेट्रिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट जो हमारे सुपरवाइजर है, तो हमारा डेली वार्ड में एक विजिट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे सर जो होते हैं उस वक्त हमसे पूछते हैं कि अच्छा इस पेशेंट का क्या हुआ, आपने क्या हिस्ट्री ली, क्या फाइंडिंग्स है आपकी, तो हम उस वक्त सर के सामने ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो उस वक्त हॉस्पिटल स्टाफ भी होता है, वार्ड पेशेंट्स भी होते हैं और हमारा सुपरवाइजर बाकी इंटर्न्स भी होती हैं। तो ये एक दो पेशेंट के साथ हुआ, जो ये ड्रग एडिक्ट का मैं केस डील कर रही हूँ, तो इसने मुझे वार्ड वाले विजिट के बाद जब हमारा सेशन हुआ तो इसने मुझे कंप्लेन किया कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने सबके सामने जो है मेरा केस डिस्कस किया सर के साथ। तो मैंने उसे ये समझाया कि अनएथिकल तो है लेकिन यहाँ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? अब सर मुझसे सबके सामने पूछ रहे थे क्या पता क्या फाइंडिंग्स है ए टू जेड। सनिया सनिया, ये तब अनएथिकल होता है जब आप किसी की आइडेंटिटी रिवील करते हैं। जब तक आप अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं करते कि वो बंदा कौन है, एक्स वाई जी के बारे में मैं जो मर्जी बात कर लूं, ये अनएथिकल नहीं होगा। नहीं मैम, वहाँ पे तो आइडेंटिटी रिवील ही है ना, हम वार्ड में उसके बेड के साथ खड़े और सर पूछते हैं कि ये आपकी क्या फाइंडिंग है, बताएं इसके बारे में, तो एवरीवन नोस के इसी के बारे में बात हो रही है। तो उसमें अगर आप अपने टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अनएथिकल, ठीक है। जब डॉक्टर्स आपस में बैठते हैं, डॉक्टर्स का भी एक पैनल बैठता है, वो किसी भी क्लाइंट के बारे में सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये अगर आप प्रोफेशनल्स के बीच में बात रखते हैं तो फिर ये नहीं है। आइडेंटिटी रिवील करने का मकसद ये है कि कहीं आप सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं या आप उसकी फैमिली में बता रहे हैं या उसकी फैमिली में से कोई आ रहा है तो उसको बता रहे हैं कि जिसका ये मसला है, इसकी ये बातें थी, जिससे उसको नुकसान हो सकता है। अगर प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर आप प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और उससे उसकी लाइक पर्सनल सेल्फ को
कोई थ्रेट नहीं है तो फिर दैट्स नॉट एन अनएथिकल थिंग. लेकिन मैम उसका ट्रस्ट इशू तो बन गया ना लास्ट सेशन में, तो वो मुझसे बातें जो कह रहा था कहता कि ये बात आपने मेंशन नहीं की सर के सामने. हाँ, आप उसके सामने बात ना करें, फिर इसका ये सलूशन है कि उसके बारे में बात ना करें. फिर आप इस तरह से बात कर सकते हैं, जैसे एंजाइटी इशू आप कह सकते हैं, आप क्लाइंट को शायद उतना अंदाजा ना हो, फिर उसमें आप अपने टर्म्स ज्यादा इस्तेमाल करें और जो सुपरफिशियल सी बात है वो करें, और जो इन डेप्थ बातें हैं, जैसे आप ये कह दें कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात हो रही है, आप ये कह दें कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है, उससे उसको ये नहीं पता चलेगा कि भाई क्या बात की है क्या नहीं की है. अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आप उसके सामने बिल्कुल भी डिस्क्लोज ना करें, फिर वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा. ये तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए जो आपको क्लाइंट के सामने पूछ रहे हैं, वो आपसे सीनियर हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें भी पता होना चाहिए इस बात के बारे में, वो उनके सामने क्यों पूछते हैं. इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी क्लाइंट के सामने डिस्कस ना करें जिससे उसका ट्रस्ट ब्रेक हो. लेकिन आप बाद में कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप ये सारी चीजें उनके साथ डिस्कस कर सकते हो जो आपके सीनियर है जिसके अंडर आप ये कर रहे हो. जी, और कोई क्वेश्चन है? आवाज अब बेटा मुझे नहीं पता, सेशन रिकॉर्डिंग चल रही है. जी बिल्कुल, चलिए ठीक है. होप सो आप लोगों की मैक्सिमम क्यूरीज भी आंसर हो गई हैं और सेशन में आपको पता भी चल गया सेकेंड असाइनमेंट कैसे करनी है. आप थोड़ा सुकून रखिएगा फॉर द नेक्स्ट वीक. आई विल बी डूइंग मार्किंग ऑफ असाइनमेंट एंड एवरीथिंग. जो भी क्यूरीज पूछनी हो वो प्लीज़ ग्रुप में पूछिएगा. नो ईमेल्स, नो MDBs, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आइडियली इफ़ आई एम अवेलेबल हेयर तो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक विद योर रिपोर्ट्स. Further, if you have any problem, do ask me in the group chat. Okay? Take care. Allah Hafiz.